तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ सिक्योरिटी की जॉब के बारे में। तो सिक्योरिटी की जॉब, जैसे कि आप लोग मेरे व्लॉग्स में देख ही रहे हैं, मैं सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ जिसमें मेरे को 10-12 आवर शिफ्ट मिलती है, अच्छे पैसे भी बन जाते हैं। ये जॉब पार्ट टाइमर्स के लिए बहुत औसम है क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता। तो आओ आपको दिखाते हैं कि सिक्योरिटी की जॉब के लिए जो सिक्योरिटी लाइसेंस चाहिए होता है वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो सिक्योरिटी की जॉब जो यहाँ पे करते हैं हम लोग, उसके लिए हमें एक COA चाहिए होता है, जो कि पहले टेम्प्ररी अप्लाई होता है और फिर 3 महीने बाद एक ट्रेनिंग लेके 2-3 क्लासेस अटेंड करके, जो कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो ऑफलाइन भी कर सकते हो, वो परमानेंट हो जाता है। सो जो टेम्प्ररी COA होता है वो होता है ब्लू इन कलर, और जो परमानेंट हो जाता है वो होता है ग्रीन इन कलर। परमानेंट के लिए 3 महीने लगते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आओ आपको दिखाते हैं ब्लू टेम्प्ररी COA, मेरा COA। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है ब्लू COA, ये है एक टेम्प्ररी COA, टेम्प्ररी सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल फॉर द प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल बैच PSPLA, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो कि ये COA इशू करती है। ये कुछ ऐसा सा दिखता है। 3 महीने बाद मैं इसको कन्वर्ट करवा के ग्रीन करवा सकता हूँ, अभी फ़िलहाल ये ब्लू है क्योंकि ये टेम्प्ररी COA है। सो गाइज, COA अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है justice.government.ng की वेबसाइट पे। आई रिपीट, justice.government.ng, और यहाँ पे जाने के बाद आपको ऐसा सा कुछ विंडो दिखेगा जिसमें लिखा होगा प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी PSPLA, जो कि ये इशू करती है। इसमें है अप्लाई और रिन्यू, तो हमें करना है अप्लाई, तो हम इसको क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसमें कई सारे ऑप्शंस है, देर आर 2 वेज वी कैन अप्लाई, इसीलिए हम मेल से भी अप्लाई कर सकते हैं इनको मेल करके PSPLA की वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के, बट वो बहुत टाइम लेगा तो हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए। एक हमें एक पासपोर्ट स्टाइल फ़ोटो चाहिए अपना, एक आईडी कार्ड चाहिए, और प्रूफ चाहिए ट्रेनिंग और स्किल डॉक्यूमेंट्स। ये सब हमें तब चाहिए जब हमारे पास ऑलरेडी एक टेम्प्ररी COA होगा। अभी हमारे पास टेम्प्ररी COA नहीं है, तो पहले हम टेम्प्ररी वाला अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम डालेंगे, एप्लीकेंट टाइप डालेंगे, इसमें डालेंगे न्यू सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, और स्टेटस डालेंगे इसमें एक्टिव, जिसमें हम लिखेंगे एक्टिव टेम्प्ररी, बिकॉज अभी हमें पहले टेम्प्ररी वाला चाहिए, उसके बाद परमानेंट वाला आता है। तो ये यहाँ पे हम सर्च करेंगे, मैं पहले अपना नाम डाल देता हूँ एक बार। मेरे पास ऑलरेडी एक COA है, ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी COA यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन नंबर, लाइसेंस सर्टिफिकेट आ रहा है, और देख सकते हो आप कि ये 23 मार्च 2023 तक का है। तो इसी वेबसाइट पे आप जाकर इजीली अपना सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। ये कुछ आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, और उसके बाद आओ हम बात करते हैं फ़ीस की। तो जो हमें जो बनवाना है वो बनवाना है सर्टिफिकेट अप्रूवल विद टेम्प्ररी सर्टिफिकेट्स, जो कि है $187 का। $87 आपकी यहाँ पे फ़ीस लगती है, और ये NZ डॉलर्स है, जो कि अराउंड अभी 52 रुपये चल रहा है इंडियन रुपी के हिसाब से। तो गाइज, ये था एक टेम्प्ररी COA बनाने का तरीका, जिसके बाद हम सिक्योरिटी जॉब इजीली कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें सिक्योरिटी जॉब इजीली मिल सकती है। कोई हमसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि हम सिक्योरिटी जॉब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये सर्टिफिकेट हमेशा रहता है, ये एक आईडी कार्ड आता है जैसे भी मैं दिखाया, और इसको हमें हमेशा अपने पास रखना होता है, ताकि अगर कोई भी कल को पुलिस या फिर कोई भी लोग हमसे चेक करते हैं तो हम तुरंत ये कार्ड उन्हें फ्लैश करते हैं कि हम खुद सिक्योरिटी एजेंट हैं और ये काम हम यहाँ पे लीगली कर रहे हैं। तो $187 इसकी फ़ीस है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। बहुत इजी प्रोसेस है इसको अप्लाई करने का, वो भी मैंने आपको दिखाया। तो प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी, जो भी लोग यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं वो आते ही ऑकलैंड में इसको अप्लाई कर दें, और आई गेस 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल आ जाता है। पहले आपको मेल पे ये सर्टिफिकेट आता है। अगर आपको वेबसाइट का नाम समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, justice.govt.ng। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके बारे में डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ जाके ईजिली सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकें। एक तरीका और है इसको बनाने का, अगर आप ही $187 नहीं खर्चना चाहते और आपको लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मनी हो सकता है, कि आपको समझ में आए या ना आए कि ये जॉब कैसी रहेगी, तो आप वैसा कर सकते हैं जैसे मैंने किया। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे, बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक रेड बैज, वैनगार्ड और आर्म्ड सिक्योरिटी सर्विसेज सारी हैं, जो कि आपको ऑफर करती हैं कि वो सिक्योरिटी बैज आपका बना के दें आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके।
आपको सिंपली क्या करना है, उनके शिफ्ट्स करने हैं, और वो शिफ्ट्स ऐसे होते हैं कि वो इवेंट्स वाले शिफ्ट्स होते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में किए थे, आपको कॉन्सर्ट्स वगैरह में कोऑर्डिनेट करना होता है और इवेंट टिकट्स चेक करनी होती है, उनको स्कैन करना होता है, सिंपल वर्क होता है। और जब सैलरी आती है तो वो उससे डिडक्ट करके वो आपका COA बना देते हैं। पूरी सैलरी नहीं काटते वो तीन पार्ट में या चार पार्ट में आपके पास ऑप्शन होती है जब आप फॉर्म भरते हैं, तो वो डिडक्ट करके आप इजीली वो COA बनवा सकते हैं। मैंने भी ऐसा अपना COA ऐसे ही बनवाया है। मेरे 2-3 हफ्ते बाद COA आया था, मैं जबकि काम पहले ही कर रहा था उनके इवेंट सेक्शन में। तो गाइज आप बनवाओ अपना COA दोनों तरीक़ों से जैसे भी, और ये बहुत ही ऑसम जॉब है, इसको करने के लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो गाइज हैव फन, अप्लाई करो, और मज़ेदार नौकरी है, चिल करो इस नौकरी में जितना हो सके। थैंक यू गाइज़।